अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप फूलगोभी, 1 कप आलू, 1 कप गाजर, 1 कप बीन्स और 1 कप मटर। इन तमाम चीज़ों को हम एक विजिल में डालेंगे। अब हम डालेंगे 4 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, दाल की। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे वेजिटेबल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद करके सारे वेजिटेबल का पानी स्ट्रेन करके एक बॉल में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप ठंडा पानी और 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब लेंगे एक बड़ा सा भगोना और इसमें डालेंगे सारे उबले हुए वेजिटेबल और इसके साथ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, कुछ गरम मसाला, 1 कप टमाटर प्यूरी, 4 चम्मच दही, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, 1 कप तेल, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 कप तली हुई प्याज डाल के इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको एक 10 मिनट के लिए ऐसे ही सेट में रख देंगे। अब एक विजल में 1 लीटर पानी लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल, कुछ गरम मसाले, 1 तेज पत्ता, कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 75 ग्राम बासमती राइस, इसको हमने आधा घंटा पहले ही भिगा कर रख लिया था। अब इसको हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे 50% ही पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से 50% तक पक चुके हैं। अब चावल को निकाल कर इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको वेजिटेबल मसाले पे डालकर स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 कप केसर वाला दूध, 2 चम्मच घी, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना, थोड़ी तली हुई प्याज डालकर इसका लिड बंद करके लो फ्लेम पे 20 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। बीस मिनट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चावल अच्छे से पक चुके हैं, वेजिटेबल भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हमारा वेज पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।